अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग? और ये देखें हमारा बछड़ा माशाल्लाह कितना मासूम है, मारता भी नहीं है, सबसे सीधा बछड़ा ही है हमारे इस महल्ले का। माशाल्लाह कितना खूबसूरत है, ये देखें आप, मासूम है। इसका फेस ब्यूटी है इसकी, ना फेस देखें कितना छोटा सा है इसका फेस है, माशाल्लाह देखें। यहाँ मोहल्ले में लीडू चल रहा है, यहाँ गेम चल रहा है लीडू, ये सारे मोहल्ले में लीडू खेल रहे हैं, रौनक लगी पड़ी हुई। यहाँ सारे बच्चे माशाल्लाह जमा हुए हैं, अपनी अपनी बातें हो रही हैं। और यहाँ पे ये हमारे गली में जो है ना, ये माशाल्लाह इन लोगों ने बाड़ा बनाया है, आगे पीछे मोहल्ले के जानवर यहाँ बांधे हुए इन्होंने। रात में तकरीबन 20-25 जानवर हो जाते हैं इस जगह पर, पूरी गली में ना इधर बाड़ा बनाया हुआ है। और ये बछड़ा है माशाल्लाह, इसके पास हम बैठे हैं, ये कुछ भी नहीं कह रहा हमें, ज़बरदस्त। आज जो है ना सारे बच्चे कढ़ाई का प्रोग्राम किया है इन्होंने, कढ़ाई बना रहे हैं ये, आज दिखाते हैं आपको कैसे बनाते हैं ये लोग। चांद रात का हो गया बेटा हमारा, पहले क्या है अलग अलग हिसाब किताब करा है हम दोनों ने, सर हम ही होगा नहीं होगा। अच्छा भाई तो डालूंगा मैं, अच्छा भाई हां उसमें डालूंगा, हां निचोड़ दे, ऊपर डाल लेना यार, जानी निचोड़ देगा ना वो भी तो मिक्स करेगा तू। बस आधा सही है, जिसने आना है। हम सिंध में रहने वाले सिंधी मेहमान नवाज हैं सारे, नहीं नहीं हम सिंधी नहीं है, हम उर्दू स्पीक है भाई। कौन है? बताते हैं आपको कढ़ाई कैसी बनी है, ये लाल बटन पे क्लिक कर दियो खुद ही बनेगी। अच्छी है, मजे की है। वे ऊपर में दान ना दिया था, कल वाली सफाई करूं ऊपर बाहर का लड़ा वहां से बैठेंगे। हां ये तो 40 नहीं दिख रही है, हां नहीं 40 तो जाना कादर का, कादर कादर ये इसका है ऋषि का, इसको कहा बांधना है पहले जगह बना, इसको बांधना का 2,05,000 रुपए का। चल सेफ्टी करो, उधर जाओ, उधर जाओ गेट के पास, बच्चे तो नहीं है घर के। अजलान अजलान उधर जाओ साइड पे, शाबाश चलो सीधा है, शरीफ है, अच्छा है, खूबसूरत है। एक जानवर और है कांगिया, एक जानवर और उतरा है, कौन सा उतरा है भाई? ये वाला हाँ, ये भी सीधा है, ए इससे दूर रहना बेटा मारेगा ही। ये बचपन से मैंने नहीं पाला है इसको, तो मैंने खरीदा था, ये बाड़े वालों ने तकरीबन 6 महीने रखा है इसको, मेरे जो दोस्त है ना बाड़े वाले, 2 दांत लिया था ये मैंने लिया था, 2 दांत था, जब भी 2 दांत था
तो अभी जो है ना ये चार दाम हो गया है। कैसा तुम लोग, अच्छा लगता है? अच्छा ना, ये मारता भी नहीं है, देखो सीधा है, खुजार है। ये मेरे से जो है ना चिपक चिपक के ना खुजार है। दांत दिखाना बेटा, दांत दिखाओ। दिखाएगा दिखाएगा, ये देखो। नहीं बात नहीं थी, बोल रहा था। ये देखें, दांत दिखाओ बेटा, दांत दिखाओ। ये दांत, इसका मूड नहीं है, वो ना दिखा देता है, ये दांत खुद ही दिखाता है दांत। माशाल्लाह इतना सीधा है ये, बच्चों को मारता भी नहीं और दांत भी दिखा देता है। और बच्चे जो है ना पूरा दिन इसके नीचे से ऐसे आना जाना लगा कर रखते हैं टांगों के नीचे से। हाँ भी बच्चों, क्या खा रहे हो ना, क्या खा रहे हो? चीज खा रहे हो? हाँ, आप चुप क्यों रहे हो? छुपने की वजह क्या है आपकी? व्लॉग बन रहा है। व्लॉग बन रहा है, व्लॉग में आओगे बेटा? ये व्लॉग डालेंगे हम। कहाँ लिखा हुआ है अल्लाह? नस पे लिखा हुआ, वो लिखा हुआ। दिखाओ हाथ लाके, दिखाओ कहाँ पे, कहाँ पे ये लिखा हुआ, वहाँ हाथ लगा के दिखाओ ना, उधर बछड़े को दिखाओ, दूर से दिखाओ हाथ लगा के, ताकि लोग लोगों को तो पता चले। कपड़े के पीछे लिखा है, कपड़े के पीछे। हाँ, नस के ऊपर। अच्छा देखें, बच्चों ने ये नोट किया है कि यहाँ पे ना अल्लाह लिखा हुआ है नस पे, इसके आगे वाले पैर है ना उसके ऊपर अल्लाह लिखा हुआ। बहरहाल मैंने तो नोट नहीं किया, लेकिन बच्चों ने नोट किया है। ये आरिफ भाई हैं, खट्टे आलू, खट्टे आलू। ये खट्टे आलू और पापड़ खा रहे हैं। ये फजलू भाई हैं, ये मुंह छुपा रहे हैं लड़कियों की तरह। यार मुंह छुपाने की क्या बात है, तुमने कौन सा कोई कांड किया है? और ये आरिफ भाई का एहसान है कि उन्होंने मुझे एक पापड़ दिलाया है, कह रहे हैं इसी में रहोगे, राइटिंग पे आ जाओ। पापड़ को खास नहीं है, खट्टे आलू बहुत कड़क हो रहे हैं, बहुत मजेदार। खट्टे आलू खा रहे हैं लेकिन नमक तेज है उसको। सुबह हो गई आशायद भाई, सुबह हो गई। हाँ देखते ही देखते सुबह हो गई भाई, क्या आवाज है परिंदों की। ये हमारे माजिद भाई भी बाहर आ गए सुबह सुबह, बोले तुम लोग सो जाओ मैं जागूंगा तकरीबन 4 बजे तक। शाम कल भी बैठा था, 6 बजे पे बैठे रहेंगे। अच्छा, तो बात यह है कि जब जानवर आता है ना तो इंसान फिर जो है ना अपने आराम को भूल जाता है, जानवर के साथ तो आपको फिर जानवर बनना ही पड़ता है। सुबह में कोई नहीं होता, यही इसी का तो नाम है। सुबह में कोई नहीं होता। हाँ ये सही है ना। देखिए तकरीबन लड़के अगर रात को जाग रहे हैं तो 1-2-3 ऐसे भी होने चाहिए जो सुबह के टाइम भी मौजूद हों। हालात अच्छे नहीं है, जानवर चोरी बहुत हो रहे हैं ना जगह जगह पे। इतना सुकून मिलता है जानवर को नहला के, इंसान को सुकून मिलता है यहाँ तो। और हम लोगों को तो ये शौक़ है, हर साल कुर्बानी के जो दिन आते हैं हमारी तो पूरी कोशिश होती है, और मेरी ख़ास तौर पर कि जानवर की जो है ना अच्छी से अच्छी खिदमत की जाए। और बस इसके लिए हम जितना करें कम है, अल्लाह भी खुश होता है। तो आप जानवर के साथ मोहब्बत करनी भी चाहिए, चाहे आप 6 दिन के लिए लाएँ चाहे 10 दिन के लिए लाएँ। खैर मैंने तो माशाल्लाह 4-5 महीने पहले परचेस किया था, लेकिन जो मोहब्बत घर ला के होती है ना जानवर के साथ, वो तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि इधर उधर ला के होता है। जानवर की खिदमत करनी चाहिए, अच्छे से अच्छा उसको खिलाना चाहिए। अच्छा आज हम आपको जो है ना उसका चारा भी बनाते हुए दिखाएँगे, इसके चारे में हम क्या क्या डालते हैं, पूरा चारा दिखाएंगे आपको बना के। और इसके बाद उसको हम खिलाते हुए भी दिखाएंगे, और फिर जो है ना आंखों में नींद, देखें हमारे आंखों में नींद कितनी है। मौसम भी ऐसा है, हवा भी इतनी अच्छी चल रही है और नींद भी बहुत आ रही है।
लेकिन ये काम भी बहुत ज़रूरी है। इसको खिला के फिर हमें सुकून मिलेगा, फिर हमारी नींद बहुत अच्छी होगी। चलें थोड़ी देर में मिलते हैं फिर आप। माशाल्लाह इसको बछड़े को नहलाया भी हमने, देखिए माशाल्लाह इसके अंदर का प्रिंट कैसा छलक रहा है। माशाल्लाह दुम देखें आप इसकी, सिर्फ दुम, माशाल्लाह दुम देखें आप, बिल्कुल नीचे आ रही है इसकी दुम। बछड़े की आप कलर देखें, माशाल्लाह ब्यूटीफुल कलर है, सारे अंदर के कलर वाजे हो रहे हैं। इसका फेस देखें, फेस देखें माशाल्लाह, है नहीं अच्छा खूबसूरत माशाल्लाह। पूरी रात जागते जागते ये टाइम हो गया, अभी 7:30 हो रहे हैं। उसको हमने सुबह ही सुबह नहला दिया, इसकी शाइनिंग देखें बछड़े की। अब इसको हमने नहला दिया, अब इसको हम एक घंटे के बाद इसको हम जो है ना फिर चारा देंगे, फिर उसके बाद फिर हम लोग अपने अपने घर सोने चले जाएंगे। ये वहाँ नहलाया, देखें जगह, देखें जगह गीली हो रही है, इस जगह पर नहलाया बांध के, कैसे कलर थे माशाल्लाह, हैं ब्यूटी कलर। ये हम्माद भाई लाए हैं बछड़ा, 2,40,000 का है ना ये, 2,40,000 रुपये का हम्माद भाई लाए हैं बछड़ा, माशाल्लाह सुपर हैवी वाली मंडी से। दो दांत बछड़ा है, खूबसूरत है, सिब्बी क्रॉस है, देखें इसकी उठान देखें बछड़े की, माशाल्लाह उठान देखें बछड़े की, उठान देखें आप माशाल्लाह, है नहीं कितना खूबसूरत बछड़ा है माशाल्लाह, अच्छा है सौदा, अच्छा है भी सीधा। ये अभी सबको नहलाया है ना, इसको भी नहलाया है बछड़े को, उस वाले को भी नहलाया है, वो देखें वो भी मिट्टी उड़ा रहा है, उसको भी नहलाया है अभी, ये खड़े हुए हैं ये सारे लड़के, इसको भी नहलाया है अभी बछड़े को। ये तीनों को जो है ना सुबह 7:30 बजे हम लोगों ने नहलाया और नहला धुला के इसको फ्रेश कर दिया। मिलते हैं अभी आपसे थोड़ी देर में। माशाल्लाह जानवर देख नहाने के बाद कितना सुकून में आ जाता है। दुम देखो माशाल्लाह, माशाल्लाह दुम देख, अच्छी है ना, गोल्डन गोल्डन भूरी भूरी, ज़मीन से देख नीचे लग रही है। ये माशाल्लाह से ये खाना खा रहा है। अच्छा ये इसका चारा है ना, तो इसकी चारे में हम आपको बता रहे थे कि ये तो आपको पता ही है, ये ग्रीन वाली जो है ना, ये जिसमें भुट्टा पैदा होता है ना, ये अपना इसको कुट्टी कहते हैं ना ये लोग, और इसके अंदर ये मैंने ये भूसा है, भूसे के अंदर मैंने जो है ना चने की हट्टी मिलाई है, चौकर मिलाई है और दरी और दलिया, ये चार चीज़ें इसके अंदर मिला के इसको अच्छी तरीके से मिक्स करके ये हमने चारा बना के अपने बछड़े को दिया है। माशाल्लाह ये शौक से खाता है सूखा चारा, देखें कितना खूबसूरत है। ये आया है बछड़ा हमारे महल्ले में 3 लाख रुपए का बछड़ा, देखें कितना खूबसूरत है, इसकी ब्यूटी कलर्स देखें आप माशाल्लाह, मट्टी उड़ा रहा है मट्टी, ये पूरा मट्टी मट्टी कर दिया है इसने। कलर देखें आप इसके माशाल्लाह से। अच्छा आज से कुर्बानी में तकरीबन रह गए 4 दिन जो है ना, हम ईद के दूसरे दिन जो है ना कुर्बानी करते हैं, तो अभी से लोगों की जो है ना डिमांड्स आनी शुरू हो गई हैं, जो लोग आते हैं हमारे पास हर साल, अब वो कहने लगे कि यार आप जो हमारे को 20 या 30 जो पैकेट देते हैं आप हमें, तो उसकी क्वांटिटी में आप इजाफा कर दें, थोड़ी सी बढ़ा दें, तो कुछ और भी लोग हैं तो बहुत सारे लोग, लेकिन वही जिसकी जितनी सख्त है आदमी उसके हिसाब से ही कुर्बानी करता है। मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि जिसकी जितनी सख्त होती है, जिसकी जितनी सख्त होती है उतनी ही कुर्बानी करता है हैसियत के हिसाब से, अगर हमारी हैसियत जितनी है उसके हिसाब से हम कुर्बानी करते हैं। गरीब तो बहुत सारे हैं, अल्लाह ताला हमें भी जो है ना इतना दे और इतनी तौफीक दे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना इसमें हिस्सा डालें अपना,
बहरहाल कुर्बानी तो बहुत सारे लोग करते हैं माशाल्लाह, और बांटते भी अच्छे खासे लोग हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो इसको सही जगह पे जो है ना गोश्त को पहुंचा नहीं सकते, और वो सही जगह जो है ना वो तकरीबन जो है ना सुरजानी के इलाके हैं और अंगी टाउन के इलाके हैं। फिर आप चले जाएँ इसी तरीके से आप जितने भी जो है ना नॉर्थ कराची के कुछ इलाके हैं, फिर आप उधर चले जाएँ, आप क्या नाम है रशीदाबाद का इलाका है, कटी पहाड़ी का इलाका है, गरीब की क्वांटिटी ज़्यादा है, गरीब आदमी की क्वांटिटी ज़्यादा है। अच्छा अब हमारी शाम हो चुकी है और हम भी फ्रेश हो गए माशाल्लाह, हमारी नींद पूरी हो चुकी है और सुबह हमने बछड़े को नहलाया और उनकी जो है ना अच्छी खातिर तवाज़ा खिदमत करी, फिर उसको खिला पिला के फिर हम लोग सुबह नाश्ता वगैरह करके फिर हम लोग चले गए थे आराम करने। फिर हम सो के उठे 4 बजे, फिर 4 बजे उठने के बाद जो है ना फिर 4 बजे उठने के बाद हम जो है ना फिर अभी फ्रेश हो गए, नहा धो के कपड़े वपड़े चेंज किए और नाश्ता किया, पुलाव का पुलाव ख़रीद के लेकर आया मैं, बड़ा मशहूर पुलाव मिलता है, अच्छा है पुलाव बीफ का, वो खा के फिर चाय वाय पी, चाय वगैरह पी मज़ेदार सी, और अब जाके जो है ना हम यहाँ आराम से बैठे हैं इस नौकर क्लब के साथ। तो बहुत मज़ा आता है ऐसे दिनों में, आपको तो अंदाज़ा होगा अच्छी तरह, और जिनके घर में कुर्बानी होती है उनके घर में तो और भी ज़्यादा मज़ा आता है। गर्मी इतनी है कि आलम देखे हैं, पूरी शर्ट मेरी जो है ना पसीना पसीना हो गई, बहुत गर्मी है, बहुत शदीद का हफ्स है, समझते बाहर है सुबह मौसम अच्छा था, रात को बड़ा हफ्स हो रहा है, पूरा दिन गर्मी का गुजरा है आज। एक्साइटेड हुए हैं, देखें आप लोग सारे बच्चे एक्साइटेड हुए हैं, जहाँ मैं कैमरा इनकी तरफ घुमाता हूँ सारे बच्चे भाग जाते हैं, क्या वजह है मेरे तो समझ में नहीं आती, बच्चे तो भाग जाते हैं ना सारे। ये दिन का भी बड़ा एंजॉय करते हैं सारे बच्चे, बच्चों की चांदी चांदी हुई थी, पूरा दिन घर से बाहर, सुबह शाम रात, ना सोने का होश ना खाने का होश, जानवरों के साथ जो है ना बच्चे भी जो है ना बस लगे रहते हैं पूरा पूरा दिन, गाने चलाए में बहुत मज़ा आ रहा है। ये गेम चल रहा है बड़े बड़ों में ना, गेम चल रहा है, ये इनकी बैटिंग लगी हुई है, जब ये मैंने दिया था ना ये जब भी नहीं मारता था, ये जब भी सीधा था, हाँ बाड़े में तो ये और सीधा था ना, बहुत सीधा है, मारता नहीं है ये, किसी को भी नहीं मारता, बच्चों को पता है क्यों मार रहा है, बच्चे इसको बार बार तंग कर रहे हैं, उसकी वजह ही है टीचर से मार मार के भाग, हाँ टीचर से जैसे मार मार के भाग,
यही वजह देखिए, हम कह रहे थे ना आपको ये दांत, ये खुद दिखाता है, ये देखिए इसके दांत, दांत दिख रहे हैं और गाड़ी होता ये बारिश हो गई है, जबरदस्त बारिश हो गई है और सारे जानवर छपड़ों के नीचे किए जा रहे हैं और ये हम लोगों का हाल हो गया है। हमारे भी गीले 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 होकर आ रहे हैं। ये भी गीले गीले। हम मामू फिश फ्राई बन करके आ रहे हैं। ये मामू फिश फ्राई बन करके आ रहे हैं और बारिश माशाल्लाह आज अचानक हो गई है, मौसम भी अच्छा हो गया, हवा भी चल गई है और ये सारे लोग जानवरों को छपड़े के अंदर नीचे लाके खड़ा कर दिया इन लोगों ने। और देखें सारे लगे हुए मोहल्ले में माशाल्लाह से, जबरदस्त मजा आ रहा है। बचत हो गई, गीले नहीं हुए जानवर, बचत हो गई। यार इसको ब्लैक वाले को भी अंदर करो, ये भी गीला हो रहा है। बेटा इसको यहाँ बांधो ना, बांधो। हाँ ग्रिल बाहर आ रही है, वो वाले कुंडे पे बांधो, वो रहा ऊपर, वो ऊपर वाला कुंडा है ना वहाँ बांधो बेटा, दरवाजे पे चढ़िया भले। जबरदस्त ये होता है, खलबली मच जाती है, बारिश होती है ना बस खलबली मच जाती है, कहाँ बांधे क्या करें। अभी अचानक से ये छपड़ा बांधा है इन्होंने, ये जानवर ले जा रहे हैं, ये आगे आके इसको छपड़े के नीचे कर दो। जबरदस्त, सारी देखे मिट्टी गीली हो गई, जबरदस्त, ओहो जबरदस्त, मजा आ रहा है यार। ओ देख बछड़ा, वो देख मौसम के सुहाने मजे। अल्लाह पाक खुश रखे आप लोगों को, इसी तरीके से आप लोग कुर्बानी करें और अल्लाह की राह में आगे से आगे अपने मामलात रखें आप लोग। अल्लाह ताला आपको बहुत सारा दे, आपके बच्चों को खुशी दिखाए अल्लाह पाक। और बस इसी के साथ हम आज आपसे इजाज़त लेंगे, आज के ब्लॉग बस इतना ही था, हमारी वीडियो इतनी थी आज की। तो इंशाल्लाह कल मिलेंगे आपके साथ फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।